नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अली मतार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर रांची से है, जहां अवैध खनन मामले में गिरफ्तार खनन माफिया बच्चू यादव को साहिबगंज से गिरफ्तार कर रांची ईडी ऑफिस लाया गया। यहां बच्चू यादव से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद उसे ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पंकज मिश्रा और दाहू यादव के बेहद करीबी है बच्चू यादव। उन्हीं के इशारों पर बच्चू यादव गंगा नदी में चलने वाले जहाज का टेंडर मैनेज करता था। यही नहीं, सरकारी बाबुओं को भी डराता था और धमकाता था। और रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ऑफिस पहुंचे जेएमएम महासचिव। तीसरे दिन भी अभिषेक से पूछताछ जारी है। साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा हुआ यह मामला है। दो दिनों तक 9-9 घंटे पूछताछ हुई थी। बच्चू यादव भी ईडी ऑफिस में मौजूद है। बोकारो में चंदन क्यारी प्रखंड के बरमसिया ओपी पुलिस और खनन विभाग ने अवडिता स्थित गवई नदी घाट के मुहाने को जेसीबी से बंद करवाया। सरकार के निर्देश के बाद बालू के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोक को लेकर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि गवई नदी घाट से हर दिन दर्जनों ट्रैक्टर से बालू का अवैध कारोबार होता है। इसकी जानकारी ग्रामीणों की ओर से लगातार पुलिस और प्रशासन को दी जा रही थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए नदी घाट के अवैध मुहानों को बंद करा दिया गया। लोहरदगा में सदर थाना के मैना बागीचा में एक झोपड़ी से युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान देवनाथ असुर के रूप में की जा रही है, जो रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम का कर्मचारी था। मृतक के गले पर रस्सी के निशान थे। शव कब्जे में लेकर पुलिस हत्यारे के साथ ही हत्या की वजहों का पता लगाने में भी जुट गई है। आपको बता दें कि मैना बागीचा स्थित अवैध बाजार शेड में शराब और मांस की बिक्री होती है और इससे पहले भी यहां एक शव बरामद किया गया था। शव मिली है और गले पर लिगेचर मार्क है और सट उसकी जो है खुली हुई है। शव की पहचान स्थापित हो गई है। इस संबंध में हम लोग पता लगा रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला के बीच में एक हाट का ही है। रात में यहाँ सुनसान रहती है। अभी हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं कि ये कैसे यहाँ पर आया, उसकी जांच करें। गुमला में हल्की बारिश में ही मध्य विद्यालय करौंदी पानी में डूब जाता है। इससे स्कूल में रखे पढ़ाई से जुड़े सामानों के साथ ही मिड डे मील का रखा अनाज भी भींग कर बर्बाद हो गया। रूबन मिशन के तहत सदर प्रखंड में इस स्कूल का संचालन होता है। दरअसल स्कूल का लेवल सड़क से काफी नीचे है, ऐसे में हल्की बारिश में ही स्कूल में जलजमाव हो जाता है। जिला प्रशासन को कई बार आवेदन भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वहीं स्कूल में जलजमाव से बच्चों के भी पानी में गिरने का खतरा बना रहता है। विभाग की ओर से स्कूल के पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब तक विभाग लापरवाह बना है, जिससे छात्र और शिक्षक परेशान हैं। देख रहे हैं कि भारी बरसात में भी पानी निकासी का कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये विगत पांच सालों से ही हम लोग ये सब देख रहे हैं। रघुवर के कार्यकाल से लेकर अभी फिलहाल हेमंत सरकार के कहे, चाहे स्कूल का तंत्र को बोले चाहे प्रशासन को देखे, प्रशासन तंत्र ठीक है, स्कूल तंत्र फेल है। यहाँ जो स्कूल का बिल्डिंग है वही ग्राउंड लेवल रोड लेवल से नीचे है। अच्छा, ये लाख प्रयास करने के बाद भी स्कूल का पानी निकालना बहुत मुश्किल है। छत का पानी भी है, स्कूल के कैंपस में ही गिरता है और क्योंकि स्कूल नीचा है, रोड ऊँचा है, इसलिए पानी निकासी का भारी दिक्कत है। जब भी बारिश होती है तो स्कूल तालाब बन जाता है। तो इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं करते? विभाग को लिख के दिए हैं इसके लिए हम लोग। बिल्डिंग भी ये टूटने का बात है, था टूटे तो था, तो बिल्डिंग ऊंचा हो तो नया बिल्डिंग बने, ऊंचा बनेगा तो हम लोग पानी बाहर निकाल पाएंगे। महंगाई के खिलाफ रांची में झारखंड कांग्रेस ने आज राजभवन मार्च किया। राजभवन मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह पहला मौका है जब कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्री राजभवन के मुख्य गेट तक पहुंच गए। उग्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के मुख्य गेट पर खुद हंगामा किया और सबसे पहले महंगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह अपने समर्थकों के साथ राजभवन पहुंची। उसके बाद राजभवन के सामने भगदड़ वाली स्थिति पैदा हो गई। पुलिस
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने में जुटी थी, जबकि समर्थक नारेबाजी करते हुए राजभवन की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने राजभवन के मुख्य द्वार पर डटे कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक हटाया। के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग राजभवन मार्च के लिए निकले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस ने उन्हें रोका है और लगातार पुलिस के जवानों पर दबाव बनाया जा रहा है और ये बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो पार्टी के विधायक है दीपिका पांडे सिंह, वो दौड़ते हुए आगे बढ़ रही है, प्रदेश अध्यक्ष है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ भगदड़ का एक माहौल है और इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष यहां गिर गए हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर है पुलिस के जवानों के द्वारा, यहां पर उन्हें बार बार रोका जा रहा था और कार्यकर्ता यहां रुके हैं। सिलेंडर का दाम हो, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश में कोई चला गया है तो देश की महिलाएं और युवा हैं, जिनसे महंगाई के नाम पर, रोजगार के नाम पर इन्होंने वोट तो लिया, आज उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए देशभक्ति की पाठ पढ़ा रहे हैं। लोग नीचे बैठ गए हैं, उनको हटाने के लिए पुलिस बलपूर्वक उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। मैंने पहले भी कहा कि राजभवन के मुख्य द्वार तक हाल के दिनों में कभी भी किसी भी राजनीतिक दल का प्रदर्शन रहा हो, कभी नहीं कोई पहुंचा है, लेकिन यहाँ कम संख्या के बावजूद यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है और वहां मारा जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रदेश प्रवक्ता है, नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ उन्हें घसीटा जा रहा है और तमाम जो नेता भी हैं वो राजभवन के गेट पर हैं। महिला पुलिस के जवान हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ खदेड़ने की कोशिश हो रही है। एक एक कर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जा रही है बलपूर्वक। यह आंदोलन पहले से आहूत था और उसकी ये तस्वीर, ताजा तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। बीजेपी की मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा रांची के मोरहाबादी से बिरसा चौक के लिए रवाना हुई। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में तमाम विधायकों ने रवाना होने से पहले मोरहाबादी स्थित बापू प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। उसके बाद बाइक से सभी विधायक बिरसा चौक के लिए रवाना हुए। और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाइक पर सवार होकर बीजेपी के तमाम विधायक निकले, हाथों में तिरंगा था और उससे पहले बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम, इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो बीजेपी विधायकों की बाइक तिरंगा यात्रा मोरहाबादी से शुरू होकर कचहरी, अल्बर्ट एक्का चौक, डोरंडा और हिनू होते हुए बिरसा चौक पहुंची। बीजेपी विधायकों ने न्यूज 18 से बातचीत में जहां अपने तिरंगा यात्रा को राष्ट्रभक्ति से जोड़कर बताया, वहीं कांग्रेस की महंगाई को लेकर प्रदर्शन को ढकोसला बताया। बीजेपी विधायकों की बाइक तिरंगा यात्रा जो है मोरहाबादी से अब पहुंच चुकी है आपको बिरसा चौक, और आप देख रहे हैं कि यहां पर तिरंगा लहराया जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा जो आप लोग लहरा रहे हैं, वास्तव में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भारत पूरे दुनिया में श्रेष्ठ बने, हमारा तिरंगा ध्वज पूरे विश्व का ध्वज बने। हम लोगों को राष्ट्रभक्ति की भावना कुट कुट करके या तिरंगा के माध्यम से देश के एक एक लोगों में भरा जाए, या तिरंगा यात्रा का यही हम लोगों का उद्देश्य है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कांग्रेस जो है वो महंगाई जो निकाल जुलूस निकाल रही है, महंगाई जुलूस देखिए अब वो महंगाई का क्या निकाल रहा है, लेकिन हम लोग पहला राष्ट्र प्रेमी है, हम लोग देश को प्राथमिकता देते हैं,
कांग्रेस पार्टी ढकोसला कर रही है, घरेलू आंसू बहा रही है। कांग्रेस पार्टी कुछ बचा नहीं है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, खुद जेल जाने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज देख रही है अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, इसलिए घरेलू आंसू ये आज मनाने का काम कर रही है। और आम जनों से अपील करना चाहेंगे, आइए इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी ये सबों को उत्सव मनाने का हक है। आइए मिल करके हम ऐसा उत्सव मनाएं कि हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने। कांग्रेस एक तरफ जो है निकाल रहे हैं बाइक तिरंगा यात्रा, दूसरी तरफ कांग्रेस निकाल रही है महंगाई को लेकर। देखिए, कांग्रेस हमेशा से राष्ट्रीय सम्मानों को और राष्ट्रीय बलिदानों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठाते रही है, और वो हमेशा इसको जो है कमतर आग करके की है। एक परिवार का महिमा मंडन उनका इतिहास रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा भारतवर्ष 75 साल मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, और हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी जहाँ आप बाइक तिरंगा यात्रा निकाल रही है, साथ ही कांग्रेस की जो महंगाई जुलूस है उसको बता रही है कि लोगों का जो पब्लिक का जो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन सियासत दोनों तरफ है, सियासत इधर भी है, सियासत उधर भी है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा का जुनून हर तरफ दिख रहा है। तिरंगा बनाने को लेकर भी तैयारी की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी फहरिस्त में रांची के अब्दुल चाचा भी इन दिनों चर्चा में हैं। 83 वर्षीय अब्दुल सत्तार चौधरी 42 वर्ष से तिरंगा बनाने का काम कर रहे हैं। अब तक 25 से 30 लाख झंडा बना चुके हैं। वो कहते हैं कि ये उनका रोजगार या व्यापार नहीं बल्कि एक जुनून है जो देश के लिए तिरंगा बनाने के लिए प्रेरित करता है। रांची से अब्दुल चाचा से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा की चर्चा हो रही है। इस वक्त हम रांची के हिंदपीढ़ी में हैं, और जब सामने तिरंगा हो तो चेहरे पर एक अलग सी लाली, एक अलग सी चमक देखने को मिलती है। सामने जो शख्स हैं, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 42 वर्ष से सिर्फ भारत का तिरंगा, चाहे वो 15 अगस्त की बात करें या 26 जनवरी की बात करें, वो इसे किसी रोजगार या व्यापार के रूप में नहीं बल्कि एक जुनून के तौर पर इसे तैयार करते हैं और घर घर तक पहुंचाने की कोशिश होती है। इस बार खास तैयारी है, इसलिए अब्दुल जी से जान लेते हैं। हम लोग जब से 42 साल से काम कर रहे हैं तो इतना झंडा का डिमांड कभी नहीं हुआ था, और एक बार जो 50 ईयर्स हुआ था, जब 50 साल हुई थी उस टाइम हंगामा था, लेकिन इससे कम था। तो अभी जब से ये मोदी जी का है जो तिरंगा अभियान जो चला हुआ है हर दुकान पे हर घर पे, इसके लिए थोड़ा महोत्सव आदमी बढ़ गया है और डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है। अब डिमांड इतना बढ़ गया है कि समय कम है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, तो उसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते। ऐसे आपने जो लिया है काम कितना बना सकेंगे? अभी समझिए कि मोटा मोटी से 2-4 जगह से ऑर्डर हम लिया है, तो समझिए कि करीब हम समझते हैं कि 25 से 30 हज़ार का है। वही कटिंग कर देते हैं, 2 पीस कर देते हैं, मोड़ते हैं, फिर मोड़ के देते हैं, उसको हम धागा छांटते हैं, उसका तह करते हैं, उसके बाद प्रेस में जाता है। कितने बजे से आप लोग उठ जाती हैं? सुबह ही 5 बजे उठते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उस टाइम से नहीं सोते हैं। सोते नहीं है, मतलब नमाज पढ़ने के बाद से इसी काम में लग जाते हैं। और अभी नहीं, ऐसे हर दिन उठने का तो आदत हो गया है, मगर अभी तो ये सब काम है तो इसलिए इसमें बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि वैसे तो रोजाना उठ जाते हैं, लेकिन मौका चूंकि 15 अगस्त का है, झंडा तैयार करना है, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, ऐसे में हर घर जो तिरंगा लगेगा उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा अब्दुल चाचा का तिरंगा लग जाए, यही एक लक्ष्य है। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार रांची। इंग्लैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है। रात 12:45 से शुरू होने वाला सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर रांची के हॉकी खिलाड़ियों में खासा उत्साह दिख रहा है। भारतीय टीम आज सेमीफाइनल का मुकाबला जीत जाती है तो सिल्वर मेडल पक्का हो जाएगा। रांची के बरियातू हॉकी सेंटर में हॉकी खिलाड़ी भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाते नजर आए। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है। हम इस समय मौजूद है रांची के बरियातू हॉकी सेंटर में, जहां जिला स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता चल रही है। खिलाड़ी मैदान में तैयार हैं, भारतीय टीम को चीयर अप कर रहे हैं। और यहां पर क्या भारतीय टीम जीतेगी? जीतेगी, जीतेगी, जरूर जीतेगी। और निक्की दीदी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? निक्की दीदी 2 बार
ओलंपिक खेल चुकी है, फिर से खेलेगी। निकी दीदी कैसा हॉकी खेलती है? बहुत अच्छा खेलती है। अच्छा खेलती है जी। अच्छा आज के मैच में, पिछले मैच में सलीमा टटे ने गोल किया था, आज के मैच में सलीमा दीदी कैसा खेलेगी? बहुत अच्छा खेलेगी सलीमा दीदी। हाँ, फास्ट हॉकी खेलती है। हाँ बहुत फास्ट हॉकी। मालूम है सलीमा दीदी कहाँ से है? सिमडेगा से। और निक्की प्रधान कहाँ से है? जी पता नहीं, खूंटी से है, है ना? तो आप बता रहे कि भारतीय टीम में तेज तरार फॉरवर्ड संगीता कुमारी भी है, जिसका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा है अब तक। संगीता दीदी कैसा खेलेगी आज के मैच में? संगीता दीदी बहुत ही अच्छा खेलेगी और इंडिया को भी बढ़ा सकती है अच्छा खेल के। आज के मैच में जीता सकती है? हाँ, हाँ? अच्छा खेल, आज जिताएगी अपना टीम को। तो आपको बता दे कि ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का जो सफर रहा था सेमीफाइनल तक रहा था, लेकिन खिलाड़ियों को उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है कि ये सफर जो है अब जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में सफर यहां से आगे बढ़ेगा और भारतीय टीम गोल्ड पदक लेकर अपने घर लौटेगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखते हैं झारखंड 2020। का साइज चीन के तमाम